नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको पता है कि रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो कोई रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है यहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 83 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, नागरू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नागरू माउंटेन पीक कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं। आपसे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मंडी में है। उसी तरह यहाँ से रिलेट करेंगे कि नागरू माउंटेन पीक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक अभी तक एग्जाम में पूछी गई है उनमें आता है मुलकिला, ये जो माउंटेन पीक है ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। इंद्रसान कहाँ पर है, इंद्रसान जो है वो कुल्लू और मनाली के बीच में स्थित है। और उसी तरह सिल्ला कहाँ पर पूछा जाता है, सिल्ला पीक कहाँ पर है, तो ये तो सभी को पता है कि किन्नौर में स्थित है। और श्रीखंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो श्रीखंड कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। सिद्धिधार कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। इंद्र किला कहाँ पर है, तो इंद्र किला भी कुल्लू में है। अंत में हम नागरू की बात करेंगे, तो ये कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है। तो इन सभी के बारे में याद रखिए, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 में पूछा गया है, राहला वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो राहला माउंटेन स्प्रिंग है, पानी का झरना है, ये कहाँ पर स्थित है। तो राहला पानी का झरना कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इसका सही आंसर होगा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और भी माउंटेन के ऐसे स्प्रिंग्स या झरने आप कहेंगे स्थित हैं, तो उनकी बात करते हैं। एक तो जोगनी फॉल हो गया, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये कुल्लू में स्थित है। अगर एग्जैक्टली पूछ लिया जाए तो कई बार मनाली ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो मनाली में ये स्थित है। उसी तरह सतधार वाटर स्प्रिंग कहाँ प्रसिद्ध है, सतधारा वाटर स्प्रिंग जो है ये चंबा में स्थित है। धानचो कहाँ प्रसिद्ध है, धानचो वाटरफॉल, धानचो वाटरफॉल जो है ये भी चंबा में स्थित है। चैडविक वाटरफॉल कहाँ पर है, चैडविक वाटरफॉल शिमला में स्थित है। शिमला में समर हिल के समीप जो है ये चैडविक वाटरफॉल स्थित है। एक दिन कमेंट करके किसी ने पूछा था कि इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कि बता दीजिए तत्तापानी जो नदी का चश्मा है, तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो तत्तापानी कहाँ पर है, ये मंडी में पड़ता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि तत्तापानी मंडी में पड़ता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार एलाइड के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 85 में पूछा गया है, मुकिला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मुकिला ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है, तो मुकिला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन है लाहौल स्पीति में पड़ता है। ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर जो है लोकल भाषा में सिगड़ी भी इसे कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, वो है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। कई बार मुकिला ग्लेशियर के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी घाटी में स्थित है, तो ये चंद्रा वैली में स्थित है, चंद्रा वैली में पड़ता है ये मुकिला ग्लेशियर। दुधोन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जो है ये कुल्लू में पड़ता है। पार्वती ग्लेशियर तो आपको पता है कुल्लू में पड़ता है। एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है ग्लेशियर का नाम है और ये लाहौल स्पीति में स्थित है। केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बादल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो बादल किसकी सहायक नदी है, बादल जो है ये रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए रावी जो है वो सही आंसर होगा। रावी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, सबसे पहले तो बादल ही आती है, बादल सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। उसके बाद तंत्रीरी आती है, सयूल आती है, छतराड़ी आती है, साल आती है, ये जो है ये रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। अगर रावी नदी के बारे में आप बात करेंगे तो रावी नदी का वैदिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरशानी। इसका वैदिक नाम आप याद रखिए। रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है और जम्मू जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश कर जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रावी नदी कहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, तो ये खैरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। और कहाँ पर जाकर मिलती है, फिर ये जाकर जम्मू कश्मीर में मिल जाती है। रावी नदी निकलती कहाँ से, तो रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से होकर निकलती है। तो ये सब आप रावी नदी के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87। 87 में पूछा गया है जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। तो जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब की थी, कब कांगड़ा विजिट किया गया था, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा कांगड़ा विजिट किया गया था अराउंड 1622। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1622 के आसपास कांगड़ा विजिट किया गया था। अगर जहांगीर की बात करें तो देखो जहांगीर जो था वो 1622 ईस्वी में नूरपुर आया था अपनी पत्नी के साथ। इनकी पत्नी का नाम था नूरजहां, तो इनकी पत्नी के नाम पर ही, नूरजहां के नाम पर ही जो था वो नूरपुर नाम पड़ा था। इससे पहले नूरपुर का नाम जो था वो धमेरी हुआ करता था। अब 1622 ईस्वी में जब ये नूरपुर आए थे तब उस टाइम नूरपुर के राजा कौन थे, नूरपुर के राजा उस टाइम जगत सिंह हुआ करते थे। तो राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ये नूरपुर आए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांगड़ा किले के पहले
मुगल किलेदार कौन थे? तो पहले जो मुगल किलेदार थे कांगड़ा किले के, वो थे नवाब अली खान। 1620 में जो था वो कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा किया था। और फिर 1622 ईस्वी में जहांगीर यहाँ आए। जहांगीर इससे पहले सिब्बा रियासत भी गए थे, गुलेर भी गए थे। तो जब ये गुलेर गए थे तो उस टाइम गुलेर के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम गुलेर के राजा राजा रूपचंद हुआ करते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि गुलेर के कौन से राजा जो था वो जहांगीर के समकालीन थे? तो गुलेर के राजा रूपचंद जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हमने यहाँ से क्लियर किए। इन सभी को आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज, तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? नालागढ़ का जो पुराना नाम क्या था वो था हिंडूर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था, बनेर किसका पुराना नाम था? सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेर। कहलूर किसका पुराना नाम था? बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी नूरपुर का पुराना नाम था। ये तो आप जो बेसिक नाम मैंने आपको बताया वो आप याद रखिए। हिंडूर की बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिक रूप से। हिंडू हिंडू रियासत की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था। तो हिंडू रियासत की स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1100 ईस्वी के आसपास जो था वो राजा अजय चंद ने की थी। हिंडूर जो था वो किस रियासत रियासत से अलग होकर एक अलग रियासत बनी थी? तो हिंडूर जो था वो कहलूर से अलग होकर एक अलग रियासत के रूप में जो था वो बना था। जब तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय हिंडूर के शासक कौन थे? उस समय हिंडूर के शासक थे राजा आलम चंद। और 1398 1398 में जो था वो तैमूर के द्वारा जो था वो भारत पर आक्रमण किया गया था। तो ये सब भी आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा है। 89 में पूछा गया है हु वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956 इन हिमाचल प्रदेश। तो 1956 में गठित जो टेरिटोरियल काउंसिल थी जिसको प्रादेशिक काउंसिल कहा गया, इसके सभापति कौन थे? तो इसके जो सभापति थे वो कौन थे? वो थे ठाकुर करम सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब पहले तो बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना कब की गई? टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना जो था वो 1957 में की गई थी। यहाँ पर तो 56 लिखा गया है पर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अब 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको समाप्त कब कर दिया गया? इसको एबोलिश कब किया गया? 1963 में जो था इसको एबोलिश कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब 1956 में तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना था? तो उस समय हिमाचल प्रदेश जो था वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। 18th नंबर का राज्य जो था वो हिमाचल बना था। बाकी हिमाचल डे कब मनाया जाता है? तो हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या पूछा गया है यहाँ पर। मंडी डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी विभाग है उसमें कितने जिले आते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने डिवीजन हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीजन है। ये कौन कौन से हैं? एक तो मंडी हो गया, दूसरा कांगड़ा हो गया, तीसरा शिमला हो गया। अब इन डिविजन्स में जो है वो हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो डाला गया है। जैसे कि मंडी डिवीजन की यहाँ पर बात की गई, तो मंडी डिवीजन में 5 जिलों को डाला गया है। अब ये 5 जिले कौन कौन से? पहले नंबर पर तो खुद मंडी आता है, दूसरे नंबर पर तो लाहौल स्पीति आता है, तीसरे नंबर पर कुल्लू आता है, चौथे नंबर पर बिलासपुर आता है, और उसके बाद 5वें नंबर पर हमीरपुर आता है। तो इन 5 जिलों को आप याद रखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले नंबर पर मंडी हो गया, दूसरे नंबर पर लाहौल स्पीति हो गया, तीसरे नंबर पर कुल्लू हो गया, चौथे नंबर पर हमीरपुर हो गया, 5वें नंबर पर बिलासपुर हो गया। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कहाँ पर आते हैं? ये मंडी डिवीज़न में आते हैं। कौन कौन से डिवीज़न्स हैं? एक तो मंडी है, एक शिमला है, कांगड़ा है। 3 डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट डिवीजन्स के बारे में याद रखें। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, 91 यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले जो लोक आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के वो थे TVR दत्ताचारी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। TVR दत्ताचारी पहले लोकायुक्त थे। अच्छा, अब लोकायुक्त के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में उनको जानिए। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अब लोकायुक्त की बात कर रहे थे, सो कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त विधेयक जो था वो 1983 में जो था वो पारित किया गया था।
ये दो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो लोकायुक्त से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब पहले लोकायुक्त पूछे गए, कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे जो, इनका नाम था जनरल के एस कटोच, इनका नाम याद रखिए। और दूसरे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे वी के शर्मा, वी के शर्मा आप याद रखिएगा। तो ये तीन चार क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ से बताए, इन तीन चार क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 में क्या पूछा गया है। डॉक्टर वाई के एस परमार, किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी। ये स्टार्ट की गई थी 2014 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 2014 में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई एस परमार किसान स्वरोजगार योजना स्टार्ट कर दी गई। अब इस योजना के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इस योजना में होता क्या है। इस योजना के तहत जो है वो पॉली हाउस लगवाए जाते हैं और इन पॉली हाउसेज में जो है वो सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं। और इस योजना को एग्जैक्टली जो था वो अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया। अच्छा, योजनाओं की बात हुई है तो योजनाओं के बारे में हम गिरिराज पत्रिका में पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम जब गिरिराज पत्रिका में कोई योजना डिस्कस होगी तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। 93 में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। मशरूम सिटी किसको कहा जाता है, सोलन को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। सोलन को तो मशरूम सिटी कहा जाता है, पहली बात आपको पता चलेगी। वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहा जाता है, रिब्बा को कहा जाता है। दूसरी बात यह हो गई, रिब्बा कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसको कहा जाता है, तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है चंबा घाटी को कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी चंबा घाटी है। शिव भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, तो भरमौर को शिव भूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की रिवर ऑफ सोरो किसको कहा जाता है, सोक की नदी, रिवर ऑफ सोरो जो है वो कहा जाता है सवा नदी को। सवा नदी कहाँ पर बहती है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अजंता किसको कहा जाता है हिमालय का, तो अजंता जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। एलोरा किसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, तो एलोरा जो है वो कहा जाता है मशरूर रॉक कट टेम्पल को। ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए। आगे पूछा गया है भोटी डायलैक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भोटी भाषा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, तो भोटी भाषा जो है वो लाहौल स्पीति में बोली जाती है। लाहौल स्पीति ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब लोकल डायलैक्ट्स की बात हुई तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ये आपको पता है। अब पहाड़ी के बारे में आपको पता होगा, तो पहाड़ी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी भाषा जो है इसकी स्क्रिप्ट क्या है। इसकी स्क्रिप्ट जो है वो टांकरी है, टांकरी इसकी स्क्रिप्ट है। कहलूरी कहाँ पर बोली जाती है, कहलूरी बिलासपुर में बोली जाती है। भगाटी कहाँ पर बोली जाती है, तो भगाटी डायलैक्ट जो है वो सोलन में बोली जाती है। सोलन की है लोकल लैंग्वेज भगाटी। अच्छा, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है, जो भाषाओं की साइंस होती है या फिर स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को कहा जाता है लिंग्विस्टिक। कई बार इस क्वेश्चन पूछ जाता है कि लिंग्विस्टिक्स किसको कहा जाता है, तो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस या फिर साइंस ऑफ लैंग्वेजेस को जो है वो कहा जाता है। कई बार ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है और इंग्लिश भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। झारखंड की क्या है, झारखंड की हिंदी है। कर्नाटका की क्या है, कर्नाटका की कन्नाडा है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की मराठी है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ की मणिपुरी ही है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की इंग्लिश आती है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की भी इंग्लिश है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में वैसे तो इंग्लिश भी यहाँ की है, नेपाली भी यहाँ की है, सिक्किम्स भी यहाँ की है, और लिपचा भी यहाँ की है। ये तीन चार लैंग्वेजेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की भी हिंदी है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की बंगाली भी है और इंग्लिश भी है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, क्योंकि स्टेट्स की भी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो मैंने जो आपको आज के क्वेश्चन का आंसर बताना है वो बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में जो है वो भाषाओं की बात की गई है, लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।